अस्सलाम वालेकुम, शानी की किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश आबाद रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। आज हम बना रहे हैं पीटा ब्रेड, या जिसको लोग शवरमा ब्रेड भी कहते हैं। वो घर में किस तरह बनाई जाती है वो हम आपको बताएँगे। उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, ये सबसे पहले ये मैंने मैदा लिया है 2 कप, ये वाले ये मेरिंग कप से मैंने 2 कप ये मैदा लिया, इसको मैंने छान लिया है। और ये मैंने लिया कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, चीनी ली है 1 टेबल स्पून, और नमक लिया है 1/2 टीस्पून। ये इंस्टेंट इसलिए मैंने ये मैं डालूँगी 2 टीस्पून, और ये मैंने ये बेकिंग पाउडर ये है तकरीबन 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम है, 1/4 टीस्पून ये मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, और ये 1/2 कप नीम गरम पानी लिए है। अब हम इसकी डो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये इंस्टेंट ईस्ट है, अगर नॉर्मल हो तो उसको आपने खोल के रखना है, इसको घोलने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये 2 टेबल स्पून मैं इसमें टीस्पून ये ईस्ट के डाल दिए, बेकिंग पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। चीनी भी 1 टेबल स्पून चीनी, और दही भी, दही में आपको बताना भूल गई थी, दही भी हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये ऑयल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ये इसकी डो तैयार करते जाएंगे। डो को हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, इसके हमने नरम डो बनानी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसको थोड़ी देर डो को हल्के हाथ से गूंद लेंगे। थोड़ी देर के लिए हमने इसको गूंदा है तो ये हमारी सॉफ्ट सी बहुत अच्छी सी देखें डो ये बन गया। अब हम इसको ये हमने एयर टाइट बॉक्स लिया है, इसको ऑयल से ग्रीस कर दिए, इसमें हम इसको रख देंगे जब तक ये सही फूल के डबल नहीं हो जाती, तब तक हम इसके ऊपर भी ये ऑयल लगा के इसको हम रख देंगे। इसको हम किसी गर्म जगह पे जितनी देर में ये आधे घंटे में फूल जाए, घंटे में, जब तक ये फूल के डबल नहीं हो जाती तब तक हम इसको रख देंगे। देखिए ये तकरीबन 2 घंटे हमने इसको रखा है, तो ये देखें हमारी डो ये राइस हो के तकरीबन साइज़ में ये देखें डबल हो गई, और बहुत अच्छे से ये राइस हो गई। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा हमने ये खुश्क मैदा इसमें डाला है, और इसको थोड़ी देर हम इसको थोड़ा सही करेंगे। हम इसको एक ही साइज़ के ये इसके हम पेड़े बना लेंगे, इसको काट लेंगे। काट के हम इसके इस तरह पेड़े बना लेंगे। इस तरह हमने इसके ये छोटे छोटे पेड़े बना लिए। अब इनको हम 5-1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही ऊपर प्लास्टिक कवर से कवर करके हम इनको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट हमने इनको पेड़ों को रखा है, तो ये थोड़े से देखिए फूल गए। अब हम इनको थोड़ा सा बेल के तो अपनी पीटा ब्रेड बनाते हैं। इसको हम बेल लेंगे। ओके, इसको हमने बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा मोटा सा रखना है, देखें। अब हम इसको तवा हमने गरम किया हुआ है, अब हम इसको पकाते हैं। देखिए तवा गरम था तो हमने इस पर बिल्कुल मीडियम से इसकी फ्लेम में रखी हुई है, तो
अभी हम इसको एक साइड से, ये ब्रेड हमारी, पीटा ब्रेड हमारी तैयार हो जाएगी, जब पक जाएगी फिर हम इसको पलटेंगे दूसरी साइड पे। देखिए अब हम इसको दूसरी साइड पे पलट देंगे। एक ब्रेड हमारी तैयार होगी पीटा ब्रेड, अब हम ये दूसरी भी इसी तरह, इसको भी हमने इसी तरह बिल्कुल स्लो, हम ये फ्लेम जो हमने बिल्कुल स्लो रखनी है, स्लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छी से फूल जाए। अभी हम ये दूसरी भी, ये अब एक साइड से जब बिल्कुल अच्छी तरह कुक हो जाएंगी पीटा ब्रेड हमारी, तब हम इसको पलट के दूसरी साइड पे, दूसरी साइड से कुक करेंगे। ये देखिए एक साइड से ये बहुत अच्छे से इसका ये कलर आ गया, अब हम इसको दूसरी साइड पे भी इसी तरह, ये देखिए ये दूसरी भी हमारी ब्रेड ये तैयार हो गई है, ये बहुत अच्छे से फूल भी गई है और बहुत अच्छे से इसका कलर भी आ गया। इसी तरह हम ये अपनी सारी ब्रेड तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमारी मज़ेदार से ये पीटा ब्रेड तैयार हो गई हैं, ये बिल्कुल बाजार जैसी बनी है, आप ये देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे से इनका कलर आप देखें, बहुत अच्छी बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी पीटा ब्रेड वाली रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।